हेलो रिया। हाँ मम्मा। हाँ बेटा कहाँ पहुँची? मम्मा रास्ते में हूँ, काफी देर से बारिश हो रही है। अच्छा बारिश में गाड़ी संभाल के चलाना रिया। हाँ मम्मा आप टेंशन मत लो। अरे इतनी रात को हाईवे पे अकेली गाड़ी चला के आ रही हूँ, टेंशन तो होगी ना। तुम्हें कहा था कि सुबह निकलना, रात में वो हाईवे लड़कियों के लिए सेफ नहीं है रिया। अरे मम्मा डोंट वरी आई विल बी फाइन। कैसे चिंता ना करूँ रिया, आजकल का जमाना ठीक नहीं है बेटा। मम्मा आई नो जमाना ठीक नहीं है, पर अब ये सब सोच के एक घर पे बैठ तो नहीं सकते ना, काम तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा मम्मा कोई लिफ्ट मांग रहा है, क्या करूँ, दे दो उसे लिफ्ट। तू पागल हो गई है रिया? क्यों, अरे इतनी रात को बेचारा बारिश में भीग रहा है, दे देती हूँ ना लिफ्ट। रिया मैं तुझे एक थप्पड़ मारूंगी। हाँ कोई जरूरत नहीं है किसी को लिफ्ट देने की, चुपचाप ड्राइव करती रहे और जल्दी से घर पहुँच, समझी? तुझे कोई और नहीं मिलता मजाक करने के लिए? हाँ अच्छी तरह से जानती है रात को हाईवे सेफ नहीं है, फिर भी मस्ती करती रहती। रिया रिया अच्छा तू अपने साथ पेपर स्प्रे तो ले गई है ना? पेपर स्प्रे जरूर भूल गई होगी। मामा पेपर स्प्रे तो मैं घर पे भूल गई। पता ही था मुझे, तो अपने आप को झांसी की रानी जो समझती है। अरे मम्मा आप क्यों इतना घबरा रहे हो? हाँ हाँ मैं ही बेवजह घबराती हूँ, भूल जाती हूँ कि अब तू बड़ी हो गई है, अपना ख्याल खुद रख सकती है, बस यही सुनना चाहती थी ना। अच्छा अब ये बता मीटिंग कैसी रही? मीटिंग ठीक ही थी। मतलब ठीक नहीं थी? ओहो मम्मा ये सब छोड़ो ना प्लीज। अच्छा ये बताओ राहुल ऑफिस से घर लौटा कि नहीं? अरे नहीं आज उसका सिंगापुर से कोई बॉस आया है तो कह रहा था कि आने में लेट हो जाएगा। अच्छा अरे इस वक्त कौन आया? शायद राहुल होगा ना। राहुल इतनी जल्दी? वो तो बोला था उसे आने में लेट होगा, पर जल्दी कैसे आ गया? मम्मा हेलो मम्मा मम्मा नमस्कार, पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे सभी ऑफिसर्स इस समय व्यस्त होने के कारण आपकी कॉल प्रतीक्षा में है। हेलो 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 मम्मा क्या हुआ? रिया मम्मा इतने जोर से क्यों चिल्लाए? रिया दरवाजे पे कोई था, वो अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकाल रहा था। क्या कौन था? मुझे नहीं पता वो कौन था। उसने अपने आप को सफेद कपड़े से ढका हुआ था और उसने वो कपड़ा मेरे ऊपर डालने की कोशिश की। माँ आपने बाहर का दरवाजा बंद तो किया ना? पता नहीं अचानक उसे देख के मैं डर गई और अंदर भाग गई, शायद दरवाजा खुला रह गया। रिया अच्छा आप इस वक्त कहाँ पर हो? मैं तो तुम्हारे कमरे में आ गई हूँ रिया। ठीक है आप घबराओ मत, मैं अभी शर्मा अंकल को फोन करती हूँ। कोई फायदा नहीं रिया, वो सब लोग तो गढ़वाल गए हुए हैं। ओह माय गॉड रिया रिया। अच्छा ठीक है मम्मा आप कमरे को ना अंदर से अच्छे से बंद कर दो, मैं अभी राहुल को फोन करती हूँ। रिया रिया फोन मत कर। हेलो हेलो राहुल। रिया आई एम इन अ मीटिंग, आई विल कॉल यू बैक। राहुल मेरी बात तो सुन। रिया आई विल कॉल यू बैक, बाय। राहुल हेलो हेलो मामा मामा आप ठीक हो? हेलो हेलो मामा मामा क्या हुआ? उसकी वो अजीब सी आवाज
अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। मम्मा आप घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा। ओके मम्मा। रिया बाहर कमरे में कुछ हो रहा है, लगता है वो घर के अंदर आ चुका है और यही वो आवाज है जिसे वो अपने मुंह से निकाल रहा था। तो सुन रही है ना रिया? 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 हाँ मम्मा, ऐसे लगता है जैसे वो कमरे को खंगाल रहा है। हे भगवान, सारा कैश और गहने तो उसी कमरे में रखे हैं। मम्मा वो सब छोड़ो, आप प्लीज अपनी चिंता करो। रिया वो कैश और गहने मैंने तेरी शादी के लिए जोड़ रखे हैं। मम्मा भाड़ में गए पैसे और भाड़ में गए गहने, अब प्लीज बस चुपचाप उस कमरे में रहो। नहीं रिया, मैं अपनी आंखों के सामने यूं सब कुछ लुटते नहीं देख सकती। मैं बाहर जा रही हूँ, मैं उसका सर फोड़ दूंगी। मम्मा अच्छा ठीक है, आप ना एक काम करो, आप मेरी अलमारी खोलो। अलमारी? अलमारी में क्या है? मामा मैं जैसा कह रही हूँ आप प्लीज वैसा करो ना, मेरी अलमारी खोलो। ठीक है, खोल दी अलमारी, आगे बता। अलमारी की जो ऊपर वाली शेल्फ है उसमें पेपर स्प्रे रखा हुआ है। हाँ। और अलमारी की राइट साइड पे मैंने अपना बैडमिंटन रैकेट रखा हुआ है। मिला? हाँ मिला। अब अपने राइट हैंड में पेपर स्प्रे पकड़ो और लेफ्ट हैंड में बैडमिंटन रैकेट, और अगर आपके वो सामने आएगा ना तो सीधा उसकी आंखों में स्प्रे कर देना और रैकेट से उसका सर फोड़ देना। अब धीरे से दरवाजा खोलो और देखो बाहर हॉल में आपको कोई दिखाई दे रहा है। ठीक है, नहीं बाहर हॉल में तो इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन कमरे से अभी भी तोड़फोड़ और वही अजीब सी आवाज आ रही है। मम्मा इसका मतलब वो अभी भी अंदर ही है, यही मौका है, अब तेजी से बाहर भागो और दरवाजा बंद करके जोर से शोर मचाओ। ठीक है। अब बाहर निकली मम्मा? मम्मा हेलो मम्मा? रिया सुन। हाँ मम्मा क्या हुआ? रिया बेडरूम में तो सब जगह बाल ही बाल फैले हुए हैं। बाल? हाँ रिया, और कमरे से बहुत गंदी बदबू आ रही है। मम्मा आप तुरंत घर से बाहर निकलो। हे भगवान ये सब क्या है, पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ है रिया। मम्मा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप प्लीज अभी घर से बाहर निकलो। राहुल राहुल तुझे क्या हुआ? राहुल हे भगवान, रिया किसी ने राहुल की छाती को फाड़ दिया है। मम्मा राहुल इस वक्त ऑफिस में है, आप प्लीज घर से बाहर निकलो। राहुल मुझे जो हॉस्पिटल लेके चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। माँ तुम यहाँ से चली जाओ, वो कमरे में ही है। कहाँ है वो मुझे बता, मैं उसकी जान ले लूंगी। अरे मम्मा प्लीज पिक अप द फोन। आपके पीछे राहुल, हेलो राहुल, मम्मा को कुछ हो गया। राहुल क्या ये तुम क्या कह रही हो, होश में तो हो? राहुल तू प्लीज घर पहुंच, मम्मा को कुछ हो गया। राहुल प्लीज। मैं घर पे हूँ रिया, और मम्मी मेरे साथ में है। अभी तो तू ऑफिस में। ओ कम ऑन रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं घर पे हूँ और मम्मी मेरे साथ में है। कौन है राहुल? मम्मी फोन पे रिया है, कुछ अजीब सी बातें कर रही है, कहती है आपको कुछ हो गया। जरा मुझे फोन दे। हेलो 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 रिया, क्या हुआ बेटा?
राहुल, ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? हेलो रिया? रिया, ये कैसी आवाज आ रही है रिया? हेलो राहुल, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मम्मी, गिव मी द फोन। हेलो रिया, रिया।